दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करें और पास में आ रहे बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लीड ट्रिम और सेफ जोन के बारे में। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको फर्स्ट टाइम बता भी देता हूँ कि ब्लीड ट्रिम और सेफ जोन क्या होते हैं। जब भी हम कुछ भी चीज़ प्रिंट के लिए बना रहे होते हैं, प्रिंट डिजाइनिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल ब्रोशर बनाना है हमने या विजिटिंग कार्ड बनाना है, कुछ भी प्रिंट के लिए अगर बना रहे हैं, तो हमें एक फ़ाइल साइज़ लेना होता है। जो फाइल साइज़ जो मोस्टली हम लेते हैं, A4 साइज़ जो होता है 8.5x11 इंच का होता है। तो हम जब भी ब्रोशर बनाने लगे A4 साइज़ का, तो हम क्या करते हैं, फ़ोटोशॉप में जाते हैं और फ़ोटोशॉप में न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ एक प्रिंटेबल साइज़ ले लेते हैं A4 साइज़ 8.5x11 इंच और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं बनाना। लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जिसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। इस वीडियो को आप स्किप कर करके ना देखें, गौर से देखें, ध्यान से देखें और पूरी वीडियो को देखें, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी और आज के बाद कभी भी आपके माइंड में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली है यहाँ पे। तो आप जहाँ तक कि यहाँ देख रहे हैं मेरे माउस का पॉइंटर को देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं ब्लीड लिखा हुआ है, तो और दूसरा जो है ट्रिम लिखा है, थर्ड जो है सेफ जोन लिखा हुआ है। तो आप जो ब्लैक एरिया देख रहे हैं, ये ब्लैक एरिया जो है वो एक्चुअल साइज़ है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि A4 साइज़ का पेपर है, तो ये एग्जैक्टली है जो रोंग आप लेते हैं, वो ये वाला साइज़ ले लेते हैं आप एग्जैक्ट। आपने इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेना होता है, ये वाला एक्स्ट्रा साइज़, यानी जो A4 पेपर का साइज़ है उससे थोड़ा सा बड़ा लेना होता है, और उसी फाइल के अंदर आपने थोड़ा सा इसको कम करते हुए एक मार्जिन बनानी होती है। चलिए, तो ये सेफ जोन होता है जिसके अंदर हम डिज़ाइन बनाते हैं, मेन आइटम्स हम सेफ जोन में बनाते हैं। और ट्रिम जोन का मतलब हो गया कि जहाँ से कटिंग होगी, यानी कि दोस्तों ये पूरा का पूरा पेपर प्रिंट होगा, यहाँ तक प्रिंट हो सकता है ये पेपर, और जब ये प्रिंट हो जाता है तो चारों तरफ से इसकी कटिंग होती है और ब्लैक वाली लाइन जो दिख रही है यहाँ से कटिंग हो जाती है, इसलिए ट्रिम बोलते हैं। ट्रिम का मतलब है कट करना, वहाँ से कटिंग कर देना। ब्लीड का मतलब होता है एक तरह से ब्लड से रिलेटेड, जैसे कि ब्लीड आता है कि बाहर निकलना, तो ये बाहर वाला एरिया है, ब्लीड वाला एरिया है और ये सेफ जोन है। चलिए थोड़ा सा और आगे इसको डिटेल में लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने जूम करके दिखाया है, ब्लीड ट्रिम और सेफ जोन। चलिए, तो ये जो एरिया देख रहे हैं आप, जो ब्राउनिश एरिया है, रेडिश एरिया है, ये वाला एरिया जो साइज़ देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई देख रहे हैं, वो है 0.125 इसकी साइज़ है। और ये जो अंदर का एरिया है वो भी 0.125 इंच का है, जो हम अंदर की साइड एक और साइज़ ले लेते हैं, यानी कि जो एक्चुअल साइज़ है, ये जो ब्लैक वाला है पेपर का 8.5x11 वाला जो साइज़ होता है A4 का, एक्चुअल साइज़ जो है उसमें 0.125 एक्स्ट्रा डालते हैं और फिर हम उस पर डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। जब हम फाइल बना लेते हैं वो, तो उसके अंदर हम 0.125 का एक सेफ जोन बनाते हैं चारों तरफ, कि हमने इतने के अंदर अंदर हम हमारा इम्पोर्टेंट कंटेंट रखना है। तो यही वाला वो असली साइज़ है जो छपने के बाद आपके हाथ में आ जाता है और इसी जगह से पेपर कट होता है, जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं। चलिए, तो अब कुछ है, अगर फर्स्ट टाइम जो चीज़ें देख रहे हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में सुन रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए थोड़ा सा आगे और भी है, जैसे कि वो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। दोस्तों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। थर्ड जो जो स्लाइड है मेरे सामने, ये आपको ये शो करती है कुछ कैलकुलेशन है, जो कि यानी कि 8.5x11 ये A4 का साइज़ होता है। आप जो डायरेक्ट इस साइज़ में डिज़ाइन बना लेते हो, वो ना बनाते हुए आपने विड्थ में, यानी चौड़ाई में और लंबाई में, पेज की दोनों में आपने 0.125 ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। तो ये जोड़ बनते हुए ये आता है 8.625 चौड़ाई होगी पेपर की और हाइट जो होगी वो होगी 11.125। तो ये एक्चुअल हाइट और विड्थ है। आपने A4 साइज चूज़ करके डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हो डिज़ाइन, जो कि गलत तरीका होता है, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, उसका असली साइज़ ये है, आपने एक्चुअल साइज़ ये वाला लेना है। चलिए, तो अब आप अगर आपने साइज़ सही ले लिया है, सब कुछ सही ले लिया है, तो आगे का काम स्टार्ट करते हैं कि डिज़ाइन जब करते हैं तो कंटेंट किस तरह से आता है और ये क्यों ले रहे हैं,
वो भी पूरा अच्छे से विद एग्जाम्पल, प्रिंटेड एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये अंदर और बाहर का इतना इतना एरिया एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ ब्लीड और ट्रिम जो आप देख ही रहे हैं। तो ये जो एरिया जो मैंने सेफ जोन एरिया बताया है आपको, सेफ जोन एरिया जो वाइट कलर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिज़ाइन का यानी कि आपका जो पेपर है वो इतना ही है, वो पेपर तो यहाँ तक है। आपको पहले भी मैंने बताया ट्रिम जो है वहाँ तक मतलब आपका पेज है, कटिंग यहाँ से होगा, लेकिन इतना हाइट में और विड्थ में यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों साइड में हम 0.125 का ये गैप छोड़ते हैं ताकि जो पेपर यहाँ से कटिंग होता है तो कटिंग होने के बाद एकदम से यहीं से मैटर स्टार्ट ना हो जाए। आपका एक एक मार्जिन रख ली हमने कि यहीं से ही आपका कंटेंट स्टार्ट हो, तो ये टॉप में भी हमने इतनी ही मार्जिन छोड़नी होती है और साइड में भी उतनी ही मार्जिन छोड़नी होती है ताकि जो पेपर यहाँ से कटिंग हो गया आपके हाथ में, जो ब्रोशर आता है या विजिटिंग कार्ड या कुछ भी जो भी प्रिंट कर रहे हैं वो आपके हाथ में आता है तो किनारे तक कंटेंट ना फैला हो, वो दोनों तरफ कुछ गैप हो जो अच्छा दिखे हमें, तो ये चीज़ होती है। अब मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये जैसे कि आप देख रहे हैं एक ब्रोशर का एक कॉर्नर है ऊपर का जो कवर होता है उसका। चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोगो और टैगलाइन या फिर कोई हेडिंग्स है या फिर कुछ भी और टाइप का जो मैटर है, जो इम्पोर्टेंट मैटर है, जो रीडेबल है, इसको रीड करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपकी सेफ जोन के अंदर अंदर आएगी। अब आप देखेंगे कि ये इमेज तो बिल्कुल बाहर तक फैल गई है, बिल्कुल सही है, ये करना ज़रूरी है। आपके जो भी कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, डिज़ाइन एलिमेंट्स का मतलब बैकग्राउंड है या फिर आप ऐसी कोई स्विल्स बना रहे हो या आप कोई शेप बना रहे हो पीछे बैकग्राउंड में ऐसे लहराती हुई या कुछ भी इस तरह का, जो बैकग्राउंड का पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट डेटा का पार्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, उस वाले बैकग्राउंड्स को, उन वाली शेप्स को आपने बाहर तक फैलाना है बिल्कुल। यानी कि आपने सेफ जोन से भी बाहर आपकी जो ट्रिम आ गया, सेफ जोन है उससे तो बाहर निकाला ही है आपने, फिर ट्रिम जोन जो है उससे भी बाहर जाते हुए ब्लीड तक ये पहुंचेगा। आपने बिल्कुल लास्ट तक आपकी जितनी फाइल साइज़ आपने ली है 8.5x11 के अंदर वो प्लस करते हुए उतने पूरे साइज़ में आपने बैकग्राउंड्स लेने हैं हमेशा। दोस्तों ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एग्जांपल के साथ आगे दिखाने वाला हूँ कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो इससे पहले थोड़ा सा एक अंदर के पेज यानी कि थोड़ा सा और इसी को हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक पेज बना हुआ है, इसमें मैंने ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाया है कि डिज़ाइन और जो ब्लीड एरिया है वो किस तरह से वर्क करता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि बैकग्राउंड बाहर तक फैला हुआ है बिल्कुल, ब्लीड वाले एरिया से भी बाहर तक है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये भी बैकग्राउंड है जो मैं पिछली स्लाइड में आपसे बात कर रहा था। ये जो आप ब्लैक कलर का बॉक्स देख रहे हो ये डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, ये बैकग्राउंड है, ये एलिमेंट है, ये जो आपने बॉक्स बनाया हुआ है डिज़ाइन है यहाँ पे, ये भी डिज़ाइन एलिमेंट है, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया जैसे कि ये फ़ोन नंबर्स वगैरह है या फिर ये टाइटल्स हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है, लोगो वगैरह है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपने सेफ जोन में रखनी होती है। यानी कि जो एक्चुअल 8.5x11 का जो साइज़ है उससे 0.125 कम करते हुए इस तरह से ऊपर और नीचे से जगह छोड़ते हुए हमने ये बनाना है, और उसके अंदर अंदर ही हमने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखनी है, ज़रूरी सूचनाएं रखनी है, और बाकी का सारा हमने बाहर तक फैलाना है जो कि 8.5x11 के अंदर 0.125 इंच को ऐड करते हुए जो मेन साइज़ लिया था हमने वहाँ तक फैलाना है इसको। चलिए अगर मान लेते हैं दोस्तों कि एग्जांपल दिखाऊंगा मैं अभी आपको, अगर आपने यहाँ तक ही बनाया है यानी ब्लीड एरिया अगर आपने लिया ही नहीं है, आप जो 8.5x11 इंच का साइज़ ही लेके डायरेक्ट ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास पेपर सिर्फ इतना सा होगा डिज़ाइन के अंदर, जहाँ आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं सिर्फ इतना सा ही आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, उतने में ही आप डिज़ाइन कर रहे हैं। हालांकि आप चाहे तो आपने जगह छोड़ भी दी होगी, अंदर वाली तो जगह छोड़ दी लेकिन आपके पास गलत तरीके से आपने वो लिया था, 0.125 आपने एक्स्ट्रा ऐड करते हुए 8.5x11 के अंदर आपने नहीं लिया था, तो आपके पास एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट है वो इतना सा ही है डिज़ाइन करने के लिए, एरिया इतना ही है आपके पास ब्लैक वाले के अंदर अंदर का। तो फिर क्या होता है, देखिए जो बाहर के जो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ये बॉक्स है ब्लैक वाला, ये ब्लैक बॉक्स आप यहाँ तक ही बना पाओगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्लीड है ही नहीं,
जो कि यहाँ जो एरिया है वो तो आपने लिया ही नहीं, गलत तरीके से लिया है आपने साइज ही, तो आपका डिज़ाइन सिर्फ यहाँ तक गया, इतना ही। अब देखिए दोस्तों, आपके पास ब्लीड नहीं थी, आपने ये एक्स्ट्रा वाला साइज नहीं लिया था, आपका डिज़ाइन छपके प्रिंट होके तैयार हुआ, वहाँ पे वो अपने आप ब्लीड ले लेता है या नहीं भी लेता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका डिज़ाइन तो वहाँ तक नहीं फैला ना, आपका बॉक्स तो यहीं तक था, तो ये एरिया तो खाली रह गया, और वो जब अपने आप ब्लीड लेके वो वर्क करेगा और जब इसकी कटिंग होगी यहाँ से, तो मान लीजिए कटिंग अगर एक पिक्सल दो पिक्सल भी ऊपर से होगी, यानी बहुत ही छोटे से साइज़ में भी अगर गलत टाइप से कटिंग होगी, हल्का सा भी बाहर से कटिंग हुई, तो आपका बॉक्स तो यहीं तक था, तो वो कैसा दिखेगा, देखिए ये ऐसा दिखेगा डिज़ाइन के अंदर। आपने डिज़ाइन बनाया ये सोच के कि आपका बॉक्स पूरा आगे तक होगा, पूरे एरिया में फैला होगा, यहाँ वाइट नहीं दिखेगा, लेकिन ये वाइट क्यों आ गई लाइन, सिर्फ इसीलिए आ गई क्योंकि आपने 0.125 का ब्लीड वाला एरिया प्लस करके अपने एक्चुअल A4 साइज़ के अंदर आपने डॉक्यूमेंट नहीं स्टार्ट किया था, इसलिए ये हुआ। ये सिर्फ एक जगह का एग्जाम्पल बताया है, यही इधर से भी हो सकता है, यहाँ से भी अगर आपने इतने तक ही ये इमेज रखी हुई है, बाहर ब्लीड थी नहीं है, आपने ब्लीड तक फैलाया नहीं है बैकग्राउंड्स को, ये बॉक्स भी, तो यहाँ तक आपको यहाँ पे वाइट कलर की लाइन पूरी दिखने लगेगी, तो ये बॉक्स कटा हुआ दिखेगा। तो आपका जो एक थीम थी डिज़ाइन की कि बाहर तक ये जाएगा ये वाला बॉक्स और यहाँ से ये बॉक्स भी बाहर तक जाएगा, वो नहीं रहेगा, वो यहाँ से ऐसे कटिंग दिखेगी। चलिए अगर आपने ब्लीड नहीं बनाई है और तो पूरा डिज़ाइन दिखाता हूँ कि क्या होता है। अगर आपने यहाँ तक ही डिज़ाइन बनाया था, सॉरी, अगर आपने सेफ जोन का ध्यान नहीं रखा और आपने जो पेपर साइज लिया था कम वाला, या फिर चाहे आपने पूरा लिया हो प्लस 0.125 एक्स्ट्रा स्पेस लेके ब्लीड भी ले लिया लेकिन माइनस वाला नहीं किया, मतलब कि जो जगह छोड़नी थी आपने सेफ जोन की वो नहीं ली है और आपने कंटेंट पूरा यहाँ तक बना दिया है, ब्लैक लाइन तक बना दिया है, हालांकि आपने बैकग्राउंड तो छोड़ा है, बाहर तक छोड़ा है, लेकिन ट्रिम पॉइंट तक आपका अगर कंटेंट पहुंच रहा है, इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर ट्रिम पॉइंट तक पहुंच रहा है, ये ऊपर तक और ये लोगो वगैरह यहां तक पूरा पहुंच रहा है, ये टैगलाइन भी यहां तक पहुंच रही है, तो कैसा दिखेगा ये, उस केस में ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए, यानी कि जहां ट्रिम पॉइंट था, जहां से कटिंग होनी थी, वहां तक आपने डेटा छोड़ दिया, यहां पे साइड में और ऊपर आपने गैप नहीं छोड़ा, जो 0.125 का जो गैप छोड़ना था अंदर, जो कि ये सेफ पॉइंट होता है, ये नहीं छोड़ा आपने, डायरेक्ट यहाँ तक बना दिया है ब्लैक लाइन तक, तो आपका डिज़ाइन ऐसा दिखेगा। अगर आप जगह छोड़ के बनाते हैं इस डिज़ाइन को, तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए फर्क देख रहे हैं आप, ये सही है, यानी कि इसमें पेपर का जो ब्लीड था प्रिंट होने के बाद, ये ब्लीड वाला एरिया बाहर का जो था वो कट हो गया है, और क्योंकि ये वाला आपने सेफ जोन से बाहर तक बनाया था, आपने यहाँ तक इस ब्लैक लाइन तक डेटा नहीं लाए, आपने डेटा सिर्फ यहीं तक रखा है और बैकग्राउंड जो है वो बाहर तक भेजा है आपने, ये बैकग्राउंड बाहर तक भेजा है, तो यहाँ से कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी ब्लीड वाला एरिया कटिंग हो गई है, यहाँ पर वाइट स्पेस भी नहीं दिख रहा है ना यहाँ दिख रहा है, और सेफ जोन की वजह से आपके दोनों साइड में अच्छा इक्वल गैप आ रहा है, इक्वल भी इसी वजह से आ रहा है, सेफ जोन आपने छोड़ा था इसलिए सभी तरफ से इक्वल गैप आएगा, और ये ब्रोशर जो आपका छपेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से नहीं दिखेगा, तो प्रॉपर ये है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे ब्लीड, सेफ जोन और ट्रिम जोन के बारे में देख लिया है क्या चीज़ें हैं ये सब, और ये कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वीडियो स्किप कर करके देखी है तो आप प्लीज़ फिर से देख लीजिए, पूरी वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको बार बार जब भी आप कुछ ऐसा काम करने लगेंगे आपको इन चीज़ों के बारे में फिर से देखना पड़ेगा नेट पे। तो ये वीडियो पूरी देख लीजिए और मेरे YouTube चैनल ग्राफिक्स गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के निशान को बिल्कुल क्लिक कर दीजिएगा आप, ताकि आपको आने वाले मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो होगी कि आप ये जो ब्रोशर देख रहे हैं इसे कैसे डिज़ाइन करें। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग से इसको दिखाऊंगा कि कैसे आप पेपर साइज लेंगे, किस तरह से आप ब्लीड छोड़ेंगे, किस तरह से सेफ जोन, ये सारा कैसे वर्क करता है। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं बार बार हर बार, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि आपने इतना स्पेस छोड़ना है और ये सब करना है, जैसे कि ये वाले स्पेसेस थे, आपको सब समझ में आ गई है कैलकुलेशन, तो बार बार आप इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें, इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में एक टेम्पलेट भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि
ब्रोशर के अलावा अलग अलग चीज़ें जो बिजनेस कार्ड और फ्लायर ब्रोशर्स बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, उन सब के आपको बने बनाए जो टेम्पलेट हैं, यानी कि इन चीज़ों के स्पेस छोड़ के और प्रॉपरली ऑलरेडी करा कराया मिलेगा आपको, वो कैसे होगा तो वो सारा मैं आपको लिंक भी दूंगा वेबसाइट्स के, कुछ PhDs डाउनलोड करने के लिए भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको उस वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम रहते हुए। धन्यवाद दोस्तों।